आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज 20। आज वेल्ट्रॉन के ऑफिस के सामने कई ऐसे लोग हैं जो कि यहां आंदोलन करने के लिए आए हुए हैं। आज जानेंगे कि आज ये किन मुद्दों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? श्वेता सिंह। क्यों आज आंदोलन पर आए हुए हैं? क्योंकि हम लोग 3 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, फॉर्म भरने से लेकर, और आज तक 3 साल गुजर चुके हैं, बट अभी तक हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं मिला है। आधा लोग को खाना मिल रहा है तो आधा भूखे पेट मर रहा है। बस यही हो रहा है हमारी सरकार में। सीट रहते हुए भी हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है, हम लोग को कोई ऑफर लेटर नहीं दिया जा रहा है। बस आश्वासन मिलता है जाएगा, कब तक जाएगा, जब भी पूछा जाए कभी भी नहीं बताया जाता है कि कोई समय सीमा है, किसी चीज के लिए समय सीमा हम लोग को नहीं बताया जाता है। और नहीं तो सलाह दिया जाता है कि बैंक में नौकरी कर ले, बैंक में कर ले। आप तो दिखने में अच्छी है, ये वो बोल के कि बैंक में कर ले, जो हम क्वालिफाई कर चुके हैं पहले वो दो, वो मेरा राइट है, उसके बाद हम क्या करेंगे वो मेरा अपना फैसला होगा। क्या नाम हुआ आपका? श्वेता सिंह। क्यों आज कुछ विकलांग भी हैं, क्या हुआ है? मैं सचिन कुमार बोल रहा हूँ, जहानाबाद से आया हूँ। अभी तक 3 साल से लगातार ज्वाइनिंग के लिए केवल आश्वासन मिलते रहा है और आज तक ज्वाइनिंग नहीं मिल पाया है। मैं विकलांग होते हुए भी 2019 में फार्म भरे थे और क्वालिफाई किए हैं 2 परीक्षा, फिर भी आज तक कोई इसका ज्वाइनिंग का कोई प्रोसेस नहीं हो पाया है। हम सरकार से यही आग्रह करेंगे कि मेरा और हम सब लोग का ज्वाइनिंग होना चाहिए। 7300 कैंडिडेट हैं जिसमें 3000 का ज्वाइनिंग हुआ है। जब एक साथ रिजल्ट हुआ, एक साथ सभी लोग क्वालिफाई किए, तो 2 साल और 3 साल के अंतराल में ज्वाइनिंग क्यों हो रहा है? और भी कार्य एकदम रुका हुआ है। इसलिए आग्रह है कि जितना जल्द हो सके मार्च के पहले तक हम लोग का ज्वाइनिंग चाहिए। कितने लोगों का वैकेंसी निकला था और कितने विभागों में अभी तक ज्वाइनिंग है? 7311 हम लोग 2020 में मार्च में पैनल लिस्ट में आए थे, लेकिन लगभग अभी 3 साल में लगभग 3000 का हुआ है। 4311 बाकी हैं और इतना टाल मटोल किया जा रहा है। यहाँ के अधिकारी लोग तो ऐसा बताते हैं कि जिसे लगता है कि हम लोग उनके लिस्ट में है ही नहीं। इसलिए हम लोग को 3 साल से इंतजार में है, हम लोग को ज्वाइनिंग चाहिए। भाई साहब अभी बोले, विकलांग भाई साहब हमारे हैं, वो बोले ना कि समान जब हम लोग एक साथ पास किए तो एक साथ ही हम लोग ज्वाइनिंग चाहिए था, लेकिन तब भी हम लोग इतना इंतजार कर रहे हैं। एक दवा भी बनती है तो उसकी एक्सपायरी होती है, तो हम लोग परीक्षा पास कर चुके हैं तो हम लोग अभी टाइम होना चाहिए ना। उस समय बोलना चाहिए था ना कि भाई हाँ 10 साल लगेगा, उसके पहले आप निकालते कि 10,000 सीट खाली है, हम लोग 10,000 लगा 7311 में ही पानी पानी हो गए। अच्छा, कुछ आप कहाँ से आए हुए हैं? हम सारण, सर सारण छापरा से आए हैं। हाँ सर, 2019 में फॉर्म निकला था, अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है मेरा भी सर। सर जब अच्छे लोग कभी आए तो हम लोग तो सर विकलांग है, हम लोगों का कौन सा आ रहा है सर? आज तक हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है। हर बार हम लोग आते हैं तो आश्वासन मिलता है, हर बार बोलते हैं लोग ज्वाइनिंग करा देंगे, मगर ज्वाइनिंग नहीं कराते हैं लोग। हम लोग यहाँ अथी मंत्री के पास गए तभी वो लोग बोलते हैं कि नहीं ज्वाइनिंग करा देंगे। ठीक है सर। अच्छा, आप कुछ महिलाएं भी हैं, क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है कि हम लोग का ज्वाइनिंग जो 3 साल से जो रुका हुआ है वो ज्वाइनिंग जल्द से जल्द इस साल तो हो जाना चाहिए, मार्च अप्रैल के लास्ट तक हो जाना चाहिए। हम लोग ये अंधी सरकार, जो सोई है सरकार, उनको जगाने का हम लोग प्रयास करके वो जागे और वो देखें कि हमारे राज्य के कैंडिडेट और सारे प्रजा कितने तकलीफ में, एग्जाम पास होने के बावजूद, क्वालिफाइड होने के बावजूद वो सड़क पर क्यों दौड़ रहे हैं, आखिर वजह क्या है दौड़ने की, वो तो पूछते ही नहीं है। यहाँ पे अच्छाई का कोई फायदा नहीं है। हम लोग अगर चुप भी रहते हैं, शांति से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द ऑफर लेटर भेजा जाए, हम लोग का ज्वाइनिंग किया जाए, बहुत ही अच्छाई से बोलते हैं, फिर भी कोई फायदा नहीं है। बस आश्वासन मिलता है, बट वो लिस्ट बोलते हैं कि डेली चेक कीजिए। ठीक है, डेली आप लोग ईमेल चेक कीजिए, लॉगिन करके चेक कीजिए, डेली चेक करते हैं और एक निराशा ही मिलती है, हमें रोना पड़ता है। इन लोगों को क्या पता है कि हम लोग के ऊपर कितना फैमिली प्रेशर रहता है, कितना सोशल इश्यूज हम लोग झेलते हैं। हम लोग, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम भोजपुर से आए हुए हैं, मेरा नाम संध्या। ऐसे तो हम हमेशा प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं, RJD ऑफिस में आए थे तो उसमें 8000 सीट है। ठीक है, 8000 अभी तक उसका कुछ, हम लोग इतना आकर एप्लीकेशन दिए हैं सर को कि सर हम लोग का ज्वाइनिंग, तो ठीक है होगा। LRC में भी यही कारण 3800
कुछ पद है उसमें, सिर्फ 534 लोगों को ही ज्वाइनिंग दिया है और बाकी लोगों को बैठा के रखा है। एक साथ एग्जाम दिए लोग, एक साथ टाइपिंग किए लोग, लेकिन हमको यही दुख होता है कि ज्वाइनिंग क्यों अलग अलग साल में है, सबको एक साथ देना चाहिए, तब तो एग्जाम ही नहीं लेता। अच्छा, जब फॉर्म भरने का कितना लिया गया था? 1050 रुपया लिया गया था, 1050 रुपया लिया गया। हाँ, दो तीन साल से आप लोग, तीन साल से 2019 में फॉर्म भरे थे हम लोग, और 2020 में फाइनल रिजल्ट आया। उनका ज्वाइनिंग इतना लेट हो रहा है, ऑफर लेटर भेज देता है, भेजने के बाद उसको एक महीना के लिए टालता है, एक से दो डेढ़ महीना के लिए, और ब्लू एक्शन बटन नहीं होता। और क्या, तो जब हम लोग विभाग में जाते हैं, मिल जाता है ऑफर लेटर, तो विभाग में जाते हैं तो क्या, तो हम ज्वाइनिंग दूसरे जगह से ले लिए, मतलब प्राइवेट से ले लिए, आप लोग का नहीं होगा, ऐसे करके भगा देता है। यहाँ पे मतलब कि हाँ, कमीशन के चक्कर में दूसरे, क्या है, जो प्राइवेट एजेंसी है वो ज़्यादा कमीशन गवर्नमेंट को देती है, इसके वजह से वो प्राइवेट एजेंसी से ले लेती है लड़कन लोग को, और हम लोग यहाँ से जो पास किए हैं, यहाँ से हम लोग का बैठाया जा रहा है, हम लोग को लिया नहीं जा रहा है। सैलरी भी हम लोग की अपेक्षा उन लोग को कम में ही काम चला दिया जाता है, बट हम लोग का तो राइट है, आखिर जो क्वालिफाई किया है उन लोग का वहाँ रियल सीट है, बट उन लोग को कम पैसा पे रख लिया जाता है। आजकल इतना बेरोजगारी है कि लोग क्या करेंगे, वो तो करेंगे, कोई भी ज्वाइन कर लेगा, 10,000-12,000 में कोई भी ज्वाइन कर लेता, बट हम लोग का जो सैलरी है वो 17,000 से 25,000 तक है। डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का डिपार्टमेंट है, बस भ्रष्टाचार ही पूरी तरह से फैला हुआ, और क्या करेंगे, हम लोग 2.5-3 साल से वेट कर रहे हैं, लगता है कि वेट ही करना पड़ेगा। अगर हम 7311 जब पास हुए थे तो आप उसमें से 3,000 को दे दिए, और 4,000 जो लड़के हैं वो अभी बैठे हुए, तो आधा को आप खाना दीजिएगा और आधा को एक लाइन में खड़ा रखिएगा, तो वो लड़के लोग क्या करेंगे, या तो मारा पीटी करेंगे या रोड पे उतरेंगे, जाहिर सी बात है, या जो ही चोरी करेंगे, कहीं ना कहीं तो इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं सर? वन मोर पॉइंट है मेरा कि ये डिवाइड एंड रूल का नीति है ना, वही अपना रहे हैं। 7,311 का रिजल्ट आउट हुआ, ठीक है, 3,000 प्लस का ये लोग ज्वाइनिंग दे दिए, 4,000 प्लस का ज्वाइनिंग नहीं दिए हैं, कि 3,000 प्लस है जिसका ज्वाइनिंग हो गया है वो लोग कुछ नहीं बोलेगा, और बाकी जो है बच्चे वो लोग बोलेंगे, तो ये लोग में एकता तो टूटेगा, वो लोग तो छट गए हम लोग से, और बस वो लोग को दे दिए, और हम लोग उसी स्टूडेंट में से है, वही साथ में बैठे हैं, सारा नंबर से अच्छे से क्वालिफाई किए हैं, हम लोग में इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? सरकार के हाथ में सब कुछ है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी, उनके हाथ में सब कुछ है, पर वो क्यों नहीं करते हैं, वो हम लोग को इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं? उनको बेल्ट्रॉन एक बिहार गवर्नमेंट के लिए काम करती है, बेल्ट्रॉन एक ऐसी एजेंसी है, बट फिर भी क्यों मध्य निषेध विभाग में प्राइवेट एजेंसी के थ्रू डेटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली हो रही है? बेल्ट्रॉन में हम लोग पास आउट कैंडिडेट हैं, तो हम लोग की क्यों नहीं हो रही है? क्या बोल रहे थे? हाँ सर, ये देखा जाए कि देखिए, ये कुछ जगह देते हैं अपने आप को, ये कहते हैं बिहार सरकार का उपकर्म। कुछ दिन पहले हम लोग को 8 लड़के को दिए थे बिहार राज्य रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, लेकिन वहाँ के अधिकारी, यहाँ बिहार सरकार में चरम सीमा पर अधिकारी है अपने रुबाब में, तो ये क्या किए हैं कि हम लोग को एक महीना बुलाकर फिर रिजेक्ट कर दिए कि चले जाइए आप लोग बेल्ट्रॉन, जो हम लोग फिर आपको बेल्ट्रॉन दूसरा जगह दे देगा, मतलब जो जहाँ काम करे थे वहाँ से भी हटा दिए। इस कारण इतना परेशानी होता है कि ना ही ये ज्वाइनिंग दे रहे हैं, ना ही ज्वाइनिंग में पारदर्शिता रख रहे हैं। नाम तो सर है ही, नाम के लिए क्या है, नाम तो बेरोजगार है, शिक्षित बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार, बेरोजगार कहीं क्वालिफाइड होते हैं, बेरोजगार है, क्वालिफाइड होते हैं, बेरोजगार का कलंक लगा हुआ हमारे मत्थे से अभी तक नहीं मिटा। फैमिली पूछती है कब होगी ज्वाइनिंग, मैरिज में हो कब होगी ज्वाइनिंग, हम लोग कोई जवाब नहीं दे पाते, इसका क्या जवाब है? यही ना कि हम लोग मेरिट होते हुए भी, क्वालिफाइड होते हुए बेरोजगार बैठे हुए हैं, और ये बेरोजगार हमें हमारी सरकार ही बनाई है, अपने से नहीं, हम लोग अपने से पढ़ाई किए, एग्जाम दिए, क्वालिफाइड बनते हैं कि लगता है कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़कर बैठ गई हैं, ये भी बोलते हैं इस जॉब के चलते, मतलब क्या नहीं सुनना पड़ता है, सारा कुछ हम लोग को सुनना पड़ता है कि हम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़कर बैठ गए हैं, जबकि हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, हर दिन हम लोग को डिप्रेशन में जीना पड़ता है, और सच हम बताते हैं कि हमको एक साल से एंजाइटी का प्रॉब्लम हो गया है, वो भी इस बेल्ट्रॉन की वजह से। बस बैनर तो हम लोग से, प्रशासन तो हम लोग से बैनर छीन ली, छीना भी गया, मगर हम लोग की आवाजों को कैसे छीनेंगे,
हमारी आवाज़ जो हमारे जो दिल में दर्द है उसे कैसे छीन लेंगे? वो तो हम लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। बैनर छीनने से क्या हम अपना हक मांगना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, हक मांग के रहेंगे और अपना ज्वाइनिंग ले के रहेंगे, एक साथ ज्वाइनिंग ले के रहेंगे। लेना है हमें। अब बेल्ट्रॉन भी इस बात को समझे कि सारे कैंडिडेट को हमें ज्वाइनिंग देना है, उनकी प्रॉब्लम को भी समझना है, पर नहीं, उनको तो समझना ही नहीं है। उनके बच्चे रोड पर नहीं है ना, इसलिए उन्हें कोई फिक्र नहीं है, उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई नहीं है, करोड़ों की संपत्ति है, बट हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। सरकार की रवैया हो गई है कि वो चाहता ही नहीं है कि बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले, वो चाहता ही नहीं है। कहते हैं कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, यहाँ पे 7000 में 3000 लोगों का हो गया, 4000 बाकी है, उनको भी वो रोजगार नहीं दे पा रहा है, तो वो 19 लाख को कैसे देगा? हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं, लड़की लोग को तो कहते हैं कि इतना रिजर्वेशन है, पढ़े पढ़े कैसे पढ़े? कुछ रहेगा हम लोग के पास? हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली है, हम लोग के पास तो कुछ नहीं है। एक पढ़ाई एक सहारा है हम लोग के लिए कि पढ़ के आगे बढ़े और अपने कुछ अपना जो सोच होता है वो पूरा करे, लेकिन सरकार चाहता ही नहीं, लड़की लोग को भी नहीं चाहते कि उन लोग का रोजगार हो। तो इससे अच्छा पढ़ाई बंद करवा दे, हम लोग को मत पढ़ाए, और कोई भी वैकेंसी निकालता है उसका वो रवैया हो गया, कोई भी वैकेंसी का 5 वर्षीय योजना बना दिया, जब तक 5 साल बीतेगा नहीं तब तक वो ज्वाइनिंग नहीं देगा, एग्जाम लेगा, रिजल्ट देगा, एग्जाम के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है और ज्वाइनिंग के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, पता नहीं कितना प्रोटेस्ट करवाएगा। अभी तो उतने लोग नहीं है, फिर भी देखिए लाठी लेकर आ गए, हम लोग कुछ करेंगे लोग नहीं, फिर भी देखिए प्रशासन उतार दिए कि हाँ लाठी चार्ज करना है। लड़के लोगों के मन में ये डर बैठ गया है कि जाएंगे तो लाठी चार्ज हो जाएगा, जाएंगे तो लाठी चार्ज आएगा, इसी कारण कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा रहा है। हम लोग एकदम जो यूनियन है संघ है वो सब बिखर गया है सिर्फ बेल्ट्रॉन के चलते। इसमें हो रहा है लाठी चार्ज, देखिए ये एक साल पहले का वीडियो है, ईटीवी बिहार झारखंड के द्वारा सब लोगों को चैनल वाइज किया गया था। ठीक है, हमेशा आते हैं और इसी तरह हम लोग आश्वासन लेके घर की ओर लौट जाते हैं, लिखित में कुछ नहीं मिलता है। हम लोग चाहते हैं कि लिखित में कुछ भी हम लोग को आश्वासन मिले ताकि हम लोग अपने अपने घर को खुशी खुशी जा पाए। बहुत जिंदगी में दुख है सर, 3 साल से इंतजार कर रहे हैं कि कब नौकरी मिले, कब नौकरी मिले। घर वाले भी परेशान हो गए हैं, उन्हें भी कंफ्यूजन हो रहा है कि सही में इसका हुआ है कि नहीं हुआ है। बार बार डेली सुबह शाम उठ के यही चेक करते हैं कि आज ज्वाइनिंग आएगा, कल ज्वाइनिंग आएगा कि नहीं आएगा कि आएगा। और ये बूढ़े बाबा अभी आए, हमारा बैनर छीन के चले गए, इसी में अगर हम लोग हाथ पाँव चला देते तो उनका क्या होता? ठीक है, ये हमेशा आते हैं, ये बूढ़े बाबा हमेशा आके हमारा बैनर छीन के हमेशा हाथापाई करवा देते हैं और चले जाते हैं। तो ये हमारे लिए, हम आग्रह करेंगे सरकार से कि हमारा बात सुना जाए और हमारी प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए ताकि हम लोग सभी एक साथ ज्वाइनिंग कर सके और सबको खुशी मिले। बस धन्यवाद। अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है, MD सर आएंगे, उनसे बात होगा कि हम लोग का जो भी ज्वाइनिंग का प्रक्रिया है वो जल्दी करवाए। अभी हम लोग चैन बनाएंगे लोग, अभी हम लोग यहाँ पे खड़े, अभी हम लोग चैन बनाएंगे, यहाँ से हम लोग हिलने वाले नहीं है जब तक MD सर नहीं आ जा सकते। और अब की आश्वासन नहीं लेकर जाएंगे, अब की लिखित देना पड़ेगा उनको। बस बहुत हो गया आश्वासन, बहुत हो गया, अब आश्वासन नहीं चाहिए, नहीं नहीं अब आश्वासन नहीं चाहिए। आप लोग अंदर गए हुए थे, क्या प्रक्रिया? प्रक्रिया यही है सर कि हम लोग 3 साल से भटक रहे हैं बेल्ट्रॉन, और बिहार सरकार के द्वारा हम लोगों के साथ शिथिलता बरती जा रही है जो कि नहीं होना चाहिए था। हम लोग बेरोजगारी के दर पे इस तरह से मतलब मर रहे हैं कि हम लोग खाने को तरस रहे हैं, और बिहार सरकार पदाधिकारी वही रटा बात बोले कि हमारे पास अध्याचना आएगी तो हम लोग करेंगे, नहीं तो फिर आप लोग को जितना दिन बैठना है तो बैठिए। और तो हम एक क्वेश्चन भी किए कि सर एक कोई चीज़ का एक्सपायरी डेट भी होता है, बेल्ट्रॉन का एक्सपायरी डेट कब तक है? वो बोले कि कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, यानी एक्सपायरी डेट नहीं है तो ये अमृत पी के आया है बेल्ट्रॉन, बात तो वही है। और हम लोग को अमृत पिलाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा अमृत का क्या फ़ायदा कि हम लोग 3 साल से भटक रहे हैं, मर रहे हैं, वैसा अमृत हमको पीने से कोई फायदा भी नहीं है। तो हमको कहना है कि जल्द से जल्द सरकार हम लोग पे आग खोले और हम लोगों का नियोजन जल्दी करवाए कि हम लोग का जीवन यापन। GM यहाँ के GM बेल्ट्रॉन के GM हैं,
उनसे बात हुई है हमारी। संतोष कुमार मल जो एमडी हैं उनसे बात नहीं हुई ना होगी कभी भविष्य में, क्योंकि कभी नहीं हम लोगों से बात किए हैं वो, ठीक है ना। इस सरकार का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है और हम लोग बेरोजगार के नाम पे इन लोग राजनीतिक रोटियां जो सेक रहे हैं वो बहुत दिन हम लोग चलने देने वाले नहीं हैं, क्योंकि बिहार का युवा अब जाग चुका है और सरकार को इसका भुगतान करना पड़ेगा बहुत जल्द। आम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।